नमस्कार। जब किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में खुशियां आती है और खुशियों के साथ आते हैं माँ बाप की बहुत सी उम्मीदें कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। खैर, इंडियन पेरेंट्स की सोच तो आजकल डॉक्टर, इंजीनियर और IAS तक ही रुक जाती है। अब उनकी सोच भी कोई गलत नहीं है, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं वो, लेकिन ये पद होते ही इतने सम्मानीय हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों को इस पद पर देखना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2022 के एक आर्टिकल के हिसाब से 2020 में 12,226 बच्चों ने एग्जाम के प्रेशर में अपनी जान ले ली थी और ये संख्या 2021 में बढ़कर 13,080 हो गई। और अगर एक एवरेज निकाला जाए तो हर साल 10,000 बच्चों में से 800 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब बात करते हैं 2024 के नीट रिजल्ट्स की। इस बार नीट रिजल्ट्स में 67 बच्चों ने पूरे मार्क्स लाए हैं। इसका मतलब ये है कि 67 बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स लाए, जो कि नामुमकिन बताया जा रहा है। हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही पूरे मार्क्स ला पाते हैं और पेपर लीक होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि सेम पिन कोड यानी सेम सेंटर से 8 बच्चों ने 720 यानी पूरे मार्क्स लाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ करी गई है एग्जाम के वक्त। अब लोग कुछ पैसों के लिए पेपर तो लीक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन हजारों लाखों बच्चों का क्या होगा जो सालों से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बच्चे तो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनका क्या होता होगा ये जानकर कि जिस एग्जाम की वो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिस एक एग्जाम पर उनका पूरा भविष्य टिका हुआ है, वो पेपर लीक हो गया, वो कैसे फेलियर का प्रेशर झेल पाते होंगे। और जो बच्चे नहीं झेल पाते वो तो या तो डिप्रेस्ड हो जाते या फिर सुसाइड कर लेते। जी हाँ, एक खबर ऐसी ही सामने आई है। आपको बता दें कि 6 जून को वज्ञा तिवारी नाम की एक स्टूडेंट ने, जो कोटा में अपने परिवार के साथ रहकर नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, उसने नीट के रिजल्ट आने के बाद 9th फ्लोर से कूद कर खुदकुशी कर ली और जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी। हो सकता है कि बच्चों की मांग पर नीट एग्जाम फिर से हो जाए, लेकिन क्या उन बच्चों का वो समय, वो पैसा या वज्ञा तिवारी जैसे लड़कियों या बच्चों की जिंदगी वापस आ पाएगी? अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं फरहत नाज़, कैमरामैन आदित्य के साथ।